मुंबई से रेल यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। सीजन का समय चल रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के यात्रियों के रेल सफर का नज़ारा काफ़ी दुर्व्यवस्थापूर्ण देखा जा रहा है। अगर आप मुंबई से उत्तर प्रदेश की ओर सफर करने जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चेकिंग स्टाफ द्वारा जनरल टिकट पर पेनल्टी रसीद बनाकर यात्रियों को रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करने की अनुमति सबसे बड़ा कारण खुलकर सामने आया है, जिसके बाद आरक्षित रेल यात्री दुर्व्यवस्था का शिकार होता हुआ भी देखा गया। अब रेलवे में यात्रा करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चेकिंग स्टाफ की मनमानी, यात्रियों का कानूनी हक होने के बावजूद डंके की चोट पर उन्हें प्रताड़ित किया गया, ये नज़ारा रोजाना देखने को मिल रहा है। यात्रा के लिए सीजन का समय आ गया है। इसी समय पूरे रेल प्रशासन यात्रियों की व्यवस्था पर अपने आँख मूंद लिया करता है। गर्मी के सीजन अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीने में उत्तर भारत की ओर जाने वाले मेल एक्सप्रेस में आरक्षित टिकट होने के बाद भी यात्री गाड़ियों में नहीं चढ़ पा रहे हैं। आज कल्याण रेलवे स्टेशन पर लखनऊ की ओर जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में बहुत सारे यात्रियों के रिजर्वेशन टिकट होने के बाद भी गाड़ी में नहीं जा सके। इसका कारण प्लेटफॉर्म पर चेकिंग स्टाफ द्वारा जनरल टिकट पर पेनल्टी रसीद बनाकर यात्रियों को रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करने की अनुमति दे दी गई थी। ऐसा यहाँ पूरे सीजन देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरह गलत है। इसके लिए सीनियर DCM जवाबदार है। रेलवे प्रशासन के लिए इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। यात्री अपना सामान खिड़कियों से जबरी चढ़ाते दिखाई पड़े। गर्मियों की छुट्टियों में जब स्कूल कॉलेज बंद होते हैं तब उत्तर प्रदेश में अधिकांश शादी ब्याह और अन्य मांगलिक कार्य होते हैं, इसीलिए लोग अपने पैतृक गांव में जाते भी हैं। यात्रियों के लिए कल्याण रेलवे स्टेशन पर रेल में चढ़ने के लिए समय कम पड़ जाता है, कारण यहां चेकिंग स्टाफ की धांधली साबित हो रही है। कितने यात्रियों के सामान तो प्लेटफॉर्म पर छूट जाते हैं। गुरुवार 20 अप्रैल आज के दिन कल्याण के उप स्टेशन प्रबंधक तो पूरी तरह यात्रियों के साथ बदतमीजी पर उतारू हो गया था। कितने परिवार आपस में बिछड़ गए। रेल अधिकारियों को इस पर अतिशीघ्र ध्यान देना चाहिए, जिससे लोग सुरक्षित यात्रा कर सके। मुंबई से VV मणिक की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।